हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैंने बनाया है चना का सलाद, जिसे मैंने काबुली चना जो छोले के लिए यूज़ करते हैं उससे बनाया है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप ऑयल फ्री खाना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से ज़रूर बनाएं। आप अगर कोई डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो इसको बनाकर खा सकते हैं। हाई इन प्रोटीन है, हाई इन फाइबर है, बहुत सारी वेजीज हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम काबुली चना ले लेंगे। इसे हमें ओवरनाइट भिगोना है। अगर आपको जल्दी है और आप नहीं भिगा पाए हैं तो आप 2-3 घंटे के लिए इसे गर्म पानी में भी भिगो कर रख सकते हैं, पर मैंने इसको रात में भिगो दिया था। और भिगाने के बाद ये जो काबुली चने हैं फूल जाते हैं और कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इसके बाद इन चनों को हम प्रेशर कुकर में कुक होने के लिए रख देंगे। तो थोड़ा सा नमक डालकर 4 से 5 सीटी आने तक हमें इसे पका लेना है। इसे इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो अब हम ये सैलड बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सैलड के लिए हमने जो बॉयल चने लिए थे वो हम 1 से 1.5 कप ले लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, बारीक कटा हुआ टमाटर, टमाटर का बीच वाला पोर्शन मैंने हटा दिया है, और बारीक कटा हुआ खीरा ले लिया है। आप इसमें जितना मन करे वेजीज डाल सकते हैं। यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, काली मिर्च का भी पाउडर इसमें हम डाल देंगे, और थोड़ा सा इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे जिससे थोड़ा सा चटपटा बन जाए। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। तो यहाँ मैंने करीब 1.5 टीस्पून नमक यूज़ किया है, और यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 लेमन लिया है जिसको मैंने स्क्वीज करके इसका जूस निकाला है, और उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अगर चाहें तो यहाँ पर ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, सिंपल ही रखा है। तीखा पसंद हो तो ग्रीन चिली डाल सकते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसमें मैं फ्रेश कोकोनट के पीसेस डालूंगी जिसे मैंने चॉप किया है। थोड़ा सा रोस्टेड पीनट डाला है। इसके बाद इसमें हरा धनिया डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये जो सैलड है वो बनके तैयार हो गया है। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपने कभी काबली चने का सलाद नहीं बनाया है इस तरीके से तो इसको ज़रूर बनाएं। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी तो होता ही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। मेरी और वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।